पे जितने बैठे हो इस कॉलोनी में इतने लोग रहते हैं क्या? और आप में से शायद इस कॉलोनी के वो भी नहीं होंगे। इस कॉलोनी में बहुत लोग रहते हैं लेकिन आ नहीं पाते, क्यों? भगवान कह रहे हैं गीता में सब महात्मा से दुर्लभ है, मेरी भक्ति में सही मार्ग पे कोई आ जाए वो बहुत दुर्लभ है, सबको मिलने वाला नहीं है। और भगवान ने तो ये भी कह दिया 1,00,000 में एक व्यक्ति मेरी पूजा करेगा, कितना? 1,00,000 में। अब आप गिन लो आप कितने बैठे हो, यानी आप अगर 100 लोग बैठे हो तो आप उन 100,00,000 में चुने हुए लोग हो जिनको भगवान ने चुना है, जो इस समय इतना पाश्चात्य फैलने के बाद इतना वैलेंटाइन डे होने के बाद भी आप भक्ति में बैठे हो। है बौद्ध, है बौद्ध कहने वाले कि मैं भक्त हूँ पर कितने बैठे हो, तो कुछ चीज का फर्क पड़ता है। भगवान के ही रूप है ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चलता है, इस बात का पता भूलो सबको तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, अनगिनत है उपकार इनके इस बात को मत भूलना, जिनके ऋण से इस देह का रोम रोम बड़ा है, शरीर बड़ा हुआ है, क्या दोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में का धारण किया, क्या दोगे उस माँ को जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी गर्भ में संभाला। उस माँ का दिल दुखाएगी बेटी कि मैं फराने से शादी करूंगी, उस माँ का दिल दुखाएगी तो वो कहाँ सुखी होगी, क्या लोगे उसको जिसने तुमको गर्भ में का धारण किया, 9 महीने समय तुम्हारे पोषण में दिया, भगवान से तो कम नहीं है ये माता और पिता। तुम भूल गए वो दिन जब तुमको चलना भी नहीं आता था, जिस माँ ने चलना सिखाया उसको अब तुम बताते हो कि तुझे नहीं आता, अब उस माँ को क्या कहते हैं, तुझे कुछ नहीं आता मम्मी जिसने हमारा हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, गलत संगत करी उस माँ का दिल तोड़ा, माँ रो रही है, जिस माँ ने था चलना सिखाया तुमने उसका ही दिल है तोड़ा। तुम भूल गए वो दिन तुम्हें जब चलना भी ना आता था, वो खुद भी थे ना खाते खाना, तुमने तुम्हें जो ना खाता था, जो हमको पसंद नहीं था खाना वो भी नहीं खाती थी, माँ नहीं खाती थी कि ये मेरे बच्चे को नहीं पाता, खुद भी नहीं खाती थी मैं वो बनाऊं जो मेरे बच्चे को पसंद हो, सुनाई दे रहा है तुम्हारा? उस माँ का दिल तोड़ ना देना, पिता का दिल तोड़ ना देना, जो पिता दिन रात मेहनत करके रुपया कमाए कि मेरे बेटे के लिए खिलौना लेके जाऊं, मेरे बेटे के लिए मिठाई लेकर के जाऊं, मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेकर के जाऊं, उसका दिल कभी मत दुखाना, ये कौन संदेश दे रहा है? ये संत संदेश दे रहे हैं। पैरों से चलना तुमको मुख से बोलना सिखा दिया, इनके ही प्यार से चलता है इस बात का पता, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना। रामचरित मानस में भगवान शिव कह रहे हैं जो माँ बाप का दिल तोड़ता है उससे भगवान शिव हमेशा रुष्ट रहते हैं, भगवान शिव उससे हमेशा रुष्ट रहते हैं जो माँ बाप का दिल तोड़ता है, बेटा हो जाए और बेटा बड़ा होकर के उनका ही दिल तोड़ दे तो ये बड़े शर्म की बात है। दिल जाता अपना देख ले, क्या तूने है उनको दिया, उनकी आशा को तोड़कर मन माना तूने जैल किया। आजकल यही चल रहा है, मन मर्जी चल रही है, उसी को संभालने के लिए हमारे युवाओं को समझाने के लिए न जाने कितने संत निकले हैं इस राह पर, क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है, हम भी आपकी तरह जींस टी शर्ट पहन के पीछे बैठ सकते हैं, घूमते भी हैं, घूम भी सकते हैं, संसार भी पालते हैं गृहस्थी भी पालते हैं, लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ी है कि समय निकाल कर आ रहे हैं कि नहीं किसी को कुछ मिल जाए, न जाने कब किसका मेरा पार हो जाए, न जाने कौन सी बात लग जाए और मेरा पार हो जाए, इसलिए तो आए हैं आपके पास। हमारा तो पहला फर्ज बनता है कि हम सम्मान करें और समय पर पहुंच के लाभ, इसलिए हम कोई गुरु गुरु नहीं, कोई किसी श्रद्धा से बोल दे कि आप हमारे गुरु जी हो हमने आपसे कुछ सीखा तो उनकी श्रद्धा है,
ताकि हम नहीं कहते हम तो आपके भी शिष्य हैं, हम तो गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु का थोप लगा हुआ पीछे, उन्होंने सेवा दी तो आ गए। लेकिन गुरु की आज्ञा में रहने के जो फल मिलते हैं, जो फायदे मिलते हैं संतों की आज्ञा में रहने के, वो काम हो जाते हैं। एक गुरु शिष्य जब यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते हुए एक नगर में पहुंचे, गुरु और शिष्य यात्रा करते हुए नगर में पहुंचे तो गुरु कहता है बेटा खाने का टाइम हो गया है, जा करके कुछ खाने के लिए लेके आ। शिष्य गया, देखा सब सस्ता, जलेबी सस्ती, समोसा सस्ता, मिर्ची बड़ा सस्ता, जोधपुर का सब सस्ता सस्ता मिलता। और उस नगरी, जिस नगरी में गया वो गुरु और चेला, उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। इस नगरी का नाम क्या है जहाँ बैठे हो? सूर्य नगरी। यहाँ तो उजाला नगरी है लेकिन वो था अंधेर नगरी। और राजा जो था उस नगरी का, उसका नाम था चौपट। क्या? अंधेर नगरी चौपट। राजा टकेसेर भाजी, टकेसेर राजा खूब सारा माल लेके आया और बोला गुरु जी अब तो बस इस ही नगरी में हमको रहना है जहाँ पर सब कुछ सस्ता मिलता है। गुरु ने कहा तू रुक जा, भले तुझे रुकना हो तो मैं रुकने वाला नहीं। तो गुरु ये कहेंगे चला गया, अंधेरे का मतलब होता है खतरा। गुरु ने समझाया अंधेरे का मतलब होता है खतरा, तो यहाँ अंधेर नगरी में रुकेगा तो खतरा है बेटा, चलना है तो चल। शिष्य समझा नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, बस रटते हैं लोग। क्या करते हैं? रटते हैं कपड़े से। आने वाली देर से 9 बजे का टाइम ना, प्रसाद बटेगा 12 बजे, चलो 12 बजे चलेंगे प्रसाद खाने। यहाँ पर टाइम बैठा 3 से 5 का और कितना हुआ है 5। अभी देखना 5 मिनट के बाद में पूरा पंडाल भरा हुआ मिलेगा, पक्की बात है। गवर्नमेंट रस्ते में भी घूम करके हम पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं, यही होता है। तो बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को बाता है, वो तो सब रटने की बात होती है, गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे, तू अंधेर कर रही है और मैं चला। तू खा खूब जलेबियाँ और मिठाइयाँ, और रुक गए शिष्य तो रुक गया वहीं पर, खूब खाने लगा और खा खा के मोटा तगड़ा हो गया। एक बार उस नगर में ध्यान से सुनना करना बहुत मजा आएगा। एक दिन दीवार गिर गई उस नगर में, एक दीवार गिर गई और दीवार गिरने से बकरी बकरी की मौत हो गई। राजा ने कहा जिसकी दीवार थी उसको फांसी दो, ये बकरी की मौत हुई है, जिसकी दीवार थी उसको फांसी दी, दीवार वाले को पेश करो। दीवार वाला पेश हुआ और दीवार वाले ने कहा हुजूर मेरी क्या गलती है, मिस्त्री की गलती है, मिस्त्री को सजा दो ना। उसने दीवार मिस्त्री को, और जब मिस्त्री को बुलाया गया तो मिस्त्री ने कहा साहब मसाला तो मजदूर ने भरा, मैंने थोड़ी मजदूर को बुलाया जाए। और मजदूर जब आया तो मजदूर एकदम दुबला पतला, जब फांसी में लटकाया गया मजदूर को तो गले में फांसी सेट नहीं हुई। बोले अब क्या करें? अब राजा का चौपट का मतलब होता है किसका हुआ। बोले अब क्या करना है? राजा ने कहा एक काम कर, जिसकी गर्दन में फिट हो जाए ये फांसी का फंदा, उसको उस आदमी को फांसी दे दो, इस मजदूर को भी छोड़ दो। और फिर क्या किया, ढूंढते गए तो मिल गया कौन? वही गुरु का शिष्य। वो मोटा हो गया था खा खा के, गर्दन भी बहुत मोटी हो गई और बोले मिल गया और इसको फांसी दो। लेकिन गुरु की अवहेलना करी, शास्त्रों की अवहेलना करी, निंदाएं करी, बुराइयां करते हैं तो फिर दोष दृष्टि करते हैं, फिर मुकदमा भी पड़ता है परिणाम, ये सबके लिए बात है। इसलिए अगर आप किसी को नहीं मानते हो तो मत मानो। हम नहीं कहते आप हमको माला पहनाओ, फूल पहनाओ, 10 रुपये डाल के दो इसमें, हमको कुछ दक्षिणा दो, नहीं। समझ में आता है तो घर ले जाओ साईं झूलेलाल की मैचर में बैठे हो, साईं झूलेलाल यहाँ के मुखिया हैं जो आपको देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बताओ वहाँ देख रहे हैं? देख रहे आपको देख रहे हैं झूलेलाल? देख रहे आपको? देख रहे भैया कहाँ देख रहे हैं? मूर्ति में देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं। अच्छा अधिकतर लोगों ने तो गुरु किए ही होंगे, गुरु किए आपने क्यों? कौन है आपके गुरु? चलो नाम नहीं लेते किसी भी गुरु का, लेकिन जिस भी गुरु के पास आप जाते हो सबसे पहले एक लाइन आती है गुरु गोविंद दोनों खड़े
अकेला गुरु है। बलिहारी गुरु, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए बताए गोविंदियो दिखाए। क्या आपने कभी अपने गुरु से सवाल किया कि गुरु जी ये लाइन तब पूरी होगी जब आप मुझे गोविंद के दर्शन कराओगे, जब आप मुझे भगवान के दर्शन कराओगे। हम आपको 5 मिनट के अंदर में इधर खड़े हो भगवान दिखा सकते हैं। जैसे खुली आंख से आप मैं दिख रहा हूँ, ये भैया दिख रहे हैं, ये भैया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जैसे ये झूलेलाल जी की मूर्ति दिख रही है, ऐसे ही भगवान आपके सामने प्रकट खड़े होंगे 2 मिनट के अंदर में। अगर आप देखना चाहो तो आपको 2 मिनट के अंदर में भगवान दिखा सकते हैं। मान सकते हो इस बात को? जैसे आपके हाथ में कैमरा है अभी दिख रहा है काले कलर का, ऐसे भगवान खड़े होंगे झूलेलाल यहाँ पर और आपको देखेंगे। रामावीर को देखना चाहोगे वो देखेंगे, रामदेव जी को देखना चाहोगे वो देखेंगे, गुरु नानक को देखना चाहोगे वो देखेंगे। जो जिसको देखना चाहेगा, आंख बंद करके ध्यान नहीं करना, ध्यान करो लंबे से कृष्ण खड़े हुए बांसुरी बजा, ध्यान नहीं, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपके सामने बांसुरी बजाएंगे, आपको दिखाएंगे। देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? हाँ तो बोल दो, पर हम नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे पर उसके लिए फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, फिर आपको गुरु मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताकि ना गुरु पाओ बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी ना उस गुरु की जिसने मुझे गोविंद दिया था, फिर तो आपको मानना पड़ेगा। पर कहीं भी जाते हो किसी भी गुरु के पास कभी सवाल करके देखो, जब गुरु दर्शन करने और किसी को करने हो कमलेश जी को बता देना, कल सुबह करवा देंगे, सुबह के समय में जिसको देखने हो उसको दिखा देंगे, ठीक है। इस टॉपिक को यही रोकते हैं क्योंकि आज जिस मकसद से आए हैं वो मकसद को पूरा कर देते हैं। तो जब उस चेले को फांसी दी जा रही थी, गर्दन जिसकी मोटी थी, कभी वहीं से गुरु गुजरे, उस वो जो उसके गुरु थे वहां से गुजरे, लेकिन था तो शिष्य ना, तो उसके ऊपर दया तो खाएगा ना कि नहीं है तो मेरा ही बच्चा ना, तो देख लिया उसको फांसी होने वाली है। अब गुरु तो गुरु होते, गुरु ने तरकीब सुनाई, बोला गुरु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। गुरु ने कान में कुछ बात बोली उसको, राजा से परमिशन लेके अब दोनों में शुरू हो गए बहस। राजा कह रहा है तुम क्या बहस कर रहे हो, गुरु कह रहा है मुझे फांसी पे लटकाओ, शिष्य कह रहा है मुझे फांसी पे लटकाओ। बोले गुरु जी ने मुझे ऐसे बात बता दी, उसको फांसी मुझे ही, और गुरु कह रहे नहीं नहीं फांसी नहीं। राजा ने पूछा आखिर ऐसी क्या बात है, बोले जिसको फांसी होगी वो तुरंत स्वर्ग में जाएगा, कहां जाएगा तुरंत स्वर्ग में। राजा ने कहा हटाओ उन लोगों को, फांसी मुझे दो, जयराम जी फांसी मुझे दो, और राजा को फांसी हो गई। अंधे नगरी चौपट राजा सवा शेर खाया है। ये बात होती है जब हम किसी भी गुरु की शरण में होते हैं, हम नहीं कहते हमारे पास किसी भी गुरु को मानो, श्रद्धा से मानो। अगर आपके जीवन में गुरु है तो वो आपकी कहीं ना कहीं रक्षा कर लेते हैं, आपको बचा लेते हैं। शर्त की है कि ज्ञान मार्ग में वाले हो, ब्रह्म ज्ञान वाले हो, तो आपको ब्रह्म के दर्शन करवा के आत्म साक्षात्कार करवा के परमात्मा दिखा के आपका कल्याण कर देंगे। इसलिए जीवन में गुरु को जरूर बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जिन पे आप भरोसा करते हो वो आपके साथ नहीं जाने वाले, जिनको आप कहते हो आज 14 फरवरी वाले दिन जानू आई लव यू, वो आपके साथ शमशान घाट तक भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, चौखट पार करने नहीं दिया जाएगा उसको। अगर आप औरत हो तो आपको वो जलाने तक आ सकता है, लेकिन वो भी उससे आगे नहीं जाएगा। ये नहीं कहेगा नहीं ये तो मुझ पे मर गई थी, अब तो मैं भी अपने प्राण के साथ में एक प्यार करते थे जिनके लगता था कि मेरी पत्नी मेरा पति सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत, मरने के बाद वो लाश भी घर में नहीं रखते, बोलते निकालो इसको, अब तो ये बोझ है। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम ही तुम्हें काम आने वाला है, और 14 फरवरी वाले दिन मातृपितृ पूजन दिवस के जरिए यही बताया जा रहा है कि माता पिता का पूजन करो, माता पिता की सेवा करो, सत्संग करो, जो तुम्हें काम आएगा। नहीं तो लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे।
सत्संग होता है, डेली सत्संग होता है, बताते हैं, खबरें आती रहती हैं, आज ये गया, कल वो गया, अभी जोधपुर में 2-3 केस हो गए, बोले जमुना गाड़ी चली गई, बैठे बैठे जान के बोले एक और इनकी शहरी थी 40 साल की, उनके हस्बैंड चले गए, पता है किसी का कुछ पता नहीं, यहाँ पे बैठे बैठे भी कौन चला जाए। कल कीर्तन में एक नाच रही थी और चलते चलते हमारी पहचान और रिश्तेदार थी सिंधी जी, और नाचते नाचते कीर्तन में दम तोड़ दिया, तो वहाँ पे संतों ने कहा इसको कम से कम उच्च गति तो मिलेगी क्योंकि ये कीर्तन करते करते गई। लेकिन क्या हम करते हैं, क्या हम करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन में बैठ जाए, भक्ति में बैठ जाए, उसके बाद वापस वही शुरू हो जाते हैं। और मूर्ख से मूर्ख मिले करे मूर्खता की बात। आप जैसा संग करोगे वैसा आपको मिलेगा, भक्तों का संग करो, निंदकों का संग करोगे तो निंदा ही करोगे, भक्तों का संग करोगे तो भक्ति ही करोगे। जैसो का साधु संग सर्व शास्त्र कहे, हर शास्त्र में कहा है साधुओं का संग करो, महात्माओं का भक्तों का संग करो, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि होती, जरा सा भी साधु संग किया तो न जाने कितनी सिद्धियां हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान का और गुरुओं का, पार्वती ने और भगवान शिव ने कहा देखते हैं पहले कौन परिक्रमा करके आता है धरती की, और सब कार्तिकेय तो भाग गए और गणेश ने क्या किया माता पिता की परिक्रमा की और कहा यही मेरे सारे तीर्थ हैं, यही पूर्ति हुई, और भगवान शिव ने और पार्वती ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम प्रथम पूजनीय बनोगे, और बिना गणेश के कोई कार्य करता नहीं, कोई बोले हमारे घर में तो नहीं करते, हमारे गुरु में तो नहीं करते, फिर भी तुम्हारे रिश्तेदारों में जरूर करते। आज कहीं भी जाओगे, कहीं भजन कीर्तन भी हो रहा होगा तो शुरुआत गणेश के नाम से ही हो रहा है। तो गणेश ने क्या किया, 7 बार पृथ्वी नहाने का, पृथ्वी की तीर्थ करने का फल प्राप्त कर लिया, आत्मदेवो भव पितृदेवो भव, कि सर्व सारे तीर्थ मेरे माता, सारे तीर्थ मेरे पिता। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट के स्पर्श किया, टीका किया और बोले बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो सकते हैं माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियाँ जिन पर माँ बाप की तो वैसे ही मेहरबान होते हैं, तो जब 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करेंगे तो प्रेम छलकेगा कि नहीं छलकेगा, प्रेम छलकेगा वो करुणा छलकेगी माता पिता की कि नहीं छलकेगी, माँ बाप की पूजा बच्चे करें और उनको तिरलोचन बनने का आशीर्वाद माँ बाप बच्चों को दें, यही जीवन का सत्य है, यही असली लव है जो हम अभी पूजा कर ले जा रहे हैं। आओ पहले पूजन कर लेते हैं, पहले पूजन कर लेते हैं माता पिता का, ठीक है, आओ चलो फिर जितने